तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सिंहगढ़ किला और उसके पीछे की हिस्ट्री के बारे में। तो सिंहगढ़ फोर्ट पड़ता है पूना में। इसकी टोटल हाइट है 1312 मीटर्स, 1312 मीटर, और ये पड़ता है सह्याद्री पर्वत के बुलेश्वर रेंज में। यहाँ की केव्स और यहाँ का जो कुंदेश्वर मंदिर है, इसके अंदर की जो कार्विंग्स है वो ये दर्शाती हैं कि ये फोर्ट 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। सिंहगढ़ किले से पहले इस जगह का नाम था कोंढाना, और ऐसा मानते थे कि जिसने इस किले पर कब्जा कर लिया उसने पूरे पूना पर कब्जा कर लिया। उस समय इस फोर्ट पर पहुँचना आसान नहीं था। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरा किला जो बना हुआ है वो एकदम पहाड़ के एज पे बना हुआ है और दीवार से ही नीचे सीधी स्लोप जाती है, तो दुश्मनों के लिए काफी मुश्किल होता था इस किले तक पहुंचना। तो वैसे इस फोर्ट के दो दरवाजे हैं, एक पूना दरवाजा है, कल्याण दरवाजा। पूना दरवाजा वो दरवाजा जिससे पूरा पूना दिखता है, जो कल्याण दरवाजा है वो इस फोर्ट के दूसरे साइड में। ऐसे तीन दरवाजे हैं। ये सबसे पहला दरवाजा है, और क्योंकि शिवाजी जयंती कुछ दिनों पहले ही आई थी इसलिए इसको इतना सजा रखा है। इस किले पर मोहम्मद बिन तुगलक ने कब्जा किया था 1328 में। इससे पहले ये किला राजा नाग नायक के अंडर आता था। सहाजी भोसले जो एक कमांडर थे इब्राहिम आदिल शाह के, उनके बेटे छत्रपति शिवाजी महाराज ने आदिल शाही को अपनाने से मना कर दिया क्योंकि वो खुद का स्वराज्य बनाना चाहते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज गेंड कंट्रोल ओवर द फोर्ट इन 1647, पर आदिल शाह ने छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी को जेल में बंद करवा दिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने पिताजी की रिहाई के लिए इस किले का बलिदान देना पड़ा था। ये हुआ था सन 1649 में। छत्रपति शिवाजी महाराज ने किले पर 1656 में फिर से कब्जा किया, और इस किले पर 1662, 1663 एंड 1665 में मुगलों ने काफी अटैक किए। 12 जून 1665 में पुरंदर की ट्रीटी साइन हुई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा कि अगर वो मुगलों के साथ लड़े तो उनके एम्पायर को और उनके लोगों को काफी नुकसान होगा, और उन्होंने ये सही समझा कि वो इस ट्रीटी पर साइन कर दें। कहानियाँ ख़त्म नहीं हुई है। 1670 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने तीसरी बार फिर से इस किले पर कब्जा किया, और ये मराठाओं के अंडर रहा 1689 तक। अब जो 1670 की लड़ाई हुई थी, द बैटल ऑफ सिंहगढ़, वो लड़ी थी तानाजी मलसुरे ने, जो जनरल थे मराठा एम्पायर के। उन्होंने यशवंती यानी मॉनिटर लिजर्ड्स की मदद से इस पहाड़ पर चढ़कर मुगलों के साथ युद्ध लड़ा। तानाजी इस लड़ाई में शहीद हो गए, लेकिन उनके भाई सुयाजी ने अंत तक लड़के कोंडाना फोर्ट पर कब्जा किया। जब छत्रपति शिवाजी महाराज को इसका पता चला तब उन्होंने कहा कि गढ़ आला पण सह गेला, किला तो हमारे पास आ गया लेकिन जो हमारा शेर था वो हमने खो दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनकी याद में इस किले का नाम सिंहगढ़ फोर्ट, सिंहगढ़ किला रखा। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद मुगलों ने इस किले पर फिर से कब्जा किया, और फिर से मराठाओं ने 1693 में इस पर कब्जा किया। फिर दोबारा 1703 में औरंगजेब ने इस किले पर कब्जा किया, लेकिन मराठाओं ने यहाँ भी हार नहीं मानी और इस किले के ऊपर फिर से कब्जा किया। 1706 से लेकर 1880 तक ये किला मराठाओं के पास रहा था, और फिर अंग्रेज आ गए। उनको भी 3 महीने लगे इस किले पर कब्जा करने में। अंग्रेज़ों को किसी भी किले पर कब्जा करने पर जो ये समय लगा, ये अब तक का सबसे ज़्यादा समय लगा था। ये थी इस किले की हिस्ट्री। ऑलराइट गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं सिंहगढ़ फोर्ट पे। ऊपर पहुंचते हैं, आपको पार्किंग की जगह मिलती है सबसे पहले, जहां पर कार्स और बाइक्स पार्क होती हैं। और जैसे ही आप गाड़ी पार्क करेंगे बहुत सारे आपको स्टॉल्स दिख जाएंगे, जहां पर आपको कांदा भाजी, मिसल पाव और ताक छाछ पानी, नींबू पानी, ये सब चीज़ें मिलेंगी। 20 रुपये बाइक के चार्जेस लगते हैं, और 40 रुपये फोर व्हीलर के चार्जेस लगते हैं। आपको अगर आना है ट्रैक करके आ रहे हो तो इट्स कम्प्लीटली फ्री। आप ट्रैक करके आना चाहते हैं ट्रैक करके भी आ सकते हैं। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा मैं ट्रैक करके आया था, लेकिन अभी हम बाइक से आए हैं। बाइक के चार्जेस 20 रुपीज़ है, एंड रास्ता बहुत सही है। जब सिंहगढ़ पहाड़ की जो फोर्ट की चढ़ान शुरू होती है वहाँ से रास्ता परफेक्ट है, कोई भी कमी नहीं रास्ते के अंदर। गर्मी के टाइम पे ना आओ तो अच्छा रहेगा, मानसून के टाइम पे आओ, ज़्यादा नज़ारे भी दिखेंगे, मौसम भी अच्छा रहेगा। तो गाइस, ये वो जगह है जहाँ पर घोड़ों को बांधा जाता था। तीन दरवाजे मैंने आपको दिखाए, पूना दरवाज़ा 1, पूना दरवाज़ा 2, पूना दरवाज़ा 3। अब तीन दरवाज़ा पार करने के बाद इस जगह पर घोड़ों की पार्किंग होती थी। इसके आगे का मैं आपको इसके बाहर निकल के दिखाता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पर मिलती है भाखरी, बैंगन का भरता और प्याज की चटनी। फिलहाल हम बैठे हैं वो खाने के लिए। तो गाइस, ये है ताक और ये है मीठे वाला दही जो यहाँ पर लोकल लोग बनाते हैं। इसके साथ मिलती है थोड़ा सा नमक, चाट मसाला और चीनी।
तो गाइस मेरे को एक बहुत अच्छी स्कीम में फंसा दिया है। मैंने यहाँ पे ऑर्डर दिया था, ऑर्डर आया नहीं। मैंने इनसे एक दही मांगा था, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दही लेके आया, एक छाछ लेके आया। मैंने बोला मैंने एक ही मंगाया था, बट इन्होंने बोला कि नहीं पूरा प्लेट ही रख लो, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मैंने एक खा चुका हूँ ऑलरेडी, अब खाने का वेट कर रहा हूँ, और सामने ये चीज़ रखी हुई है, तो यू हैव नो अदर ऑप्शन। आपको भूख भी लग रही है तो आप ये चीज़ खाएंगे, एंड दैट्स व्हाई मैं अपना सेकंड दही खा रहा हूँ। और खाना पता नहीं कब तक आएगा, क्या पता मैं तीसरे वाला भी खा जाऊँ। वैसे खाना आ चुका है, ये है भाखरी जो बनती है बाजरे से और लोकल ग्रेन्स जो भी प्रोड्यूस होते हैं उनसे बनती है। ये है दाल, दिस इज़ दैट प्याज का चटनी विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, एंड बैंगन का भरता, कोल्हापुरी ठेसा, ये बहुत सारे आपको कोल्हापुरी रेस्टोरेंट्स में भी मिल जाएगा। मतलब रोड में दे मैं भी स्कीम का शिकार हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 दही तो मैं खा चुका हूँ, 3 बचे हुए हैं। खाना मेरा डन हो चुका है, बस उठने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। 10 दही के वो आए थे, मिट्टी के जो क्या क्या बोलते हैं उसको, कुल्लड़। 10 कुल्लड़ आए थे दही के, जिसमें से हमने 8 खाए, और एक ताक, मतलब ये पूरा मिला के 200 रुपये बिल बना। खाने का बिल जब आएगा तब बताते हैं, तब तक के लिए मैं थोड़ा सो लेता हूँ। Right guys, after a heavy breakfast, भाखरी, पितले भाखरी, छास, ताक एंड दही, इन सब के बाद वी हेडिंग टूवर्ड्स तिलक निवास। तो ये वो बंगला है जो लोकमान्य तिलक ने बनवाया था अपने लिए। यहाँ पर गांधी जी और लोकमान्य तिलक की मीटिंग भी हुई थी, दिखता था ऐसा थोड़ा। ये सब उधर उधर कुछ नहीं था ना, 20-25 साल पहले तक कुछ भी नहीं था। तो जितनी भी बिल्डिंग्स आपको सामने दिख रही हैं, अभी हमें एक अंकल ने बताया कि आज से 20-25 साल पहले तक यहाँ पर कुछ भी नहीं था। और सामने जो आपको तालाब नज़र आ रहा है वो है खड़क वासला लेक, उसी के साइड में NDA भी है, नेशनल डिफेंस अकेडमी। और ये है राजा राम महाराज समाधि। राजा राम महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे। राजा राम महाराज की जय। अब हम आए हैं तानाजी समाधि पे, और तानाजी मूवी के बाद यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही भीड़ होने लगी है। भीड़ पहले भी होती थी लेकिन इतनी नहीं। सिंहगढ़ फोर्ट काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पर किले के ज़्यादातर पार्ट्स डैमेज हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये जगह देखने लायक है। ये थी कहानी सिंहगढ़ फोर्ट और उसमें मौजूद कुछ फेमस स्पॉट्स की जो आपने अभी देखे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं मानसून में एक बार फिर से यहाँ पर आऊँगा और मैं आपको दिखाऊँगा कि सिंहगढ़ फोर्ट कितना खूबसूरत होता है बरसात के वक्त। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस फोर्ट की हिस्ट्री के बारे में पता चले। मिलते हैं कल फिर से, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय योर लाइफ माय डियर फ्रेंड्स। बाय बाय।